मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। अभिनेता मुरली शर्मा की माँ जी का अभी निधन हो गया, बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। चलिए हम लोग आपको पूरी अपडेट देते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में RIP करके कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब माँ का निधन होता है तब उस वक्त बच्चे की हालत कैसी होती है ये हर कोई समझ सकता है। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि मुरली शर्मा जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, वो काफी सारे कॉमेडी रोल में भी आई हैं, काफी सारे उन्होंने विलन के रोल भी किए हैं, बॉलीवुड में भी किए हैं, साउथ फिल्म में भी किए हैं, दोनों ही इंडस्ट्री में उनका नाम काफी ज्यादा जाना माना है। और उस दौरान ही उनकी जो माता जी हैं जिनका नाम है पद्मा शर्मा जी, उनके 76 एज में अभी निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि वो नई मुंबई में अभी रह रही थी अपने जो कि मुरली शर्मा के जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई और उनकी भाभी के साथ वहां पर घर पे रहती थी, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और उस दौरान ही मुरली शर्मा ने अभी जब ABP न्यूज को इंटरव्यू दिया और उस दौरान उन्होंने ये चीज बताया कि रात 8 बजे उनको करीब हार्ट अटैक आया, जिसके कारण वो एक झटके में हमें अलविदा उन्होंने बोल दिया है। इसकी जानकारी उनके बड़े भाई ने ही उनको दी थी और वो काफी ज्यादा सदमे में है इस वक्त। उनका कहना यह है कि हर वक्त 6:30 बजे रोज मैं अपनी माँ से बात करता था, लॉकडाउन के चलते हुए डेढ़ दो महीने से मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाया था। अभी लॉकडाउन खुला, बस 2-3 दिन में जाने ही वाले थे और आज के दिन जब माँ के निधन की खबर आई है उसी दिन मैं अपनी माँ को 6:30 बजे कॉल नहीं कर पाया, जिसके कारण उल्टा मुझे कॉल आया कि उनकी माँ का निधन हो चुका है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। उनके लिए आशा जरूर कीजिए कि उनको इस दुख को झेलने की हिम्मत दे भगवान और उनकी माता जी की आत्मा को शांति दे। RIP करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।